मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा के अहम बैठक मसूरी के होटल में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष अमित पवार द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आगामी 2022 के चुनाव के साथ नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी और विचार विमर्श इस पे किया गया, जिसके साथ सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी की जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में युवाओं को सहभागिता निभानी होगी। हमारे पास जो है भारत, उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ताओं के साथ हर वार्ड और बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। दो हजार बाईस का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, तो इस विषय में मेरा जो पहला आज की बैठक का मतलब था कि एक तो अपना कार्यकारिणी को गठित करना, फिर इस कार्यकारिणी के द्वारा मुझे कैसे एक जन जन तक, जन जन का मतलब है कि प्रत्येक युवा तक कैसे पहुंचना है और उस युवा तक अपनी आवाज़ को कैसे पहुंचाना है और उस आवाज़ को उन युवाओं से आगे कैसे बढ़ाना है, अपने प्रदेश सरकार के कामों को कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए, ताकि जो कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाते, कई ऐसे कार्य हैं जो जनता के बीच में नहीं पहुंच पाते, उनको जनता के बीच में पहुंच।